A very good afternoon and a very good morning to all of you, and I welcome you again another session of biology class. और आज की क्लास में हम देखेंगे कि मनुष्यों में लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत यहाँ पे रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ठीक है? तो चलिए आज की जो क्लास है उसको हम जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं तुरंत। देखिए आज की क्लास में जो मनुष्यों में रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, है ना, तो जनरली जो रिप्रोडक्शन होता है ठीक है, जनरली जो रिप्रोडक्शन या प्रजनन, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो प्रजनन होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जैविक प्रक्रिया होता है, और ये जीवों में होने वाली निरंतर होने वाली एक प्रक्रिया है, ये है ना, जिसके माध्यम से क्या होते हैं कि सभी जीव अपने वंश एवं प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने समान जीवों को जन्म देते हैं, है ना। तो जन्म देने वाले जो जीवों को जो पेरेंट्स तथा कहा जाता है, ठीक है, तो क्या बोला कि जो प्रजनन होता है वो एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें अपने ही समान एक नए जीव को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, है ना, तो नए जीव उत्पन्न करते हैं, तो जीवों में पाए जाने वाली इस प्रक्रिया को ही प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। तो जो जन्म देते हैं, ठीक है, जो भी जन्म देने वाले जो जीव होते हैं, ठीक है, जन्म देने वाले को बोलते हैं जनक, ठीक है, इंग्लिश में इसको पेरेंट्स कहते हैं, ठीक है, और जो जन्म लेते हैं, ठीक है, तो जन्म लेने वाले जो जीव होते हैं उसे संतान बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग, ठीक है, तो क्लियर। एक बार सुन लीजिए कि जो प्रजनन होती है एक जैविक प्रक्रिया होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, और जिसके माध्यम से सभी जीव अपने वंश एवं प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं, और जन्म देने वाले जीवों को जनक तथा नए जन्म लेने वाले जो जीव होते हैं उन्हें संतान या ऑफस्प्रिंग कहा जाता है, ठीक है, और ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, ठीक है, ये जो ऑफस्प्रिंग जो होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है, ग्रोथ होता है, ठीक है, और साथ में इसमें डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट, ठीक है, इसको वृद्धि बोलते हैं और इसको विकास, विकास के किसी का दूसरा नाम होता है परिवर्धन होता है, ठीक है, वृद्धि और परिवर्तन होता है। तो इसके बारे में, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में मैं इस वीडियो के अंतिम में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो रिप्रोडक्शन होते हैं जीवों में, जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो दो प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ऑलरेडी हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग ऑलरेडी पिछले कई क्लासों में सबसे पहले हम देख लिए हैं, ठीक है, तो इसको मैं डिफरेंस बताते हुए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इसको, ठीक है। ये तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है,
ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं इनमें सिर्फ एक जनक ही भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन में नर और मादा है ना दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें गैमेट्स का निर्माण और निषेचन नहीं होता है और इसमें होता है। ठीक है, ये सोमैटिक सेल में होता है और ये जो होता है जनक सेल में होता है, जर्म सेल कहते हैं। ठीक है, ये किसमें होते हैं, जर्म सेल में होता है, और ये जो होता है ये सोमैटिक सेल में होता है। ठीक है, यहाँ पे संसूत्र विभाजन होते हैं, इसमें दोनों प्रकार के विभाजन पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा तीव्र गति से होने वाला क्रिया, जबकि ये थोड़ा सा धीमी होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंतर बताइए करके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ, इसमें अलैंगिक में क्या होते हैं कि इनमें संतति जो होता है ये अनुवांशिक रूप से सेम होता है, क्योंकि इनमें निषेचन नहीं होता है, तो उन्हीं के शरीर का जो हिस्सा होता है वो कड़ के अलग होता है, इसलिए यहाँ पर जो सेम होता है समान होता है, जबकि इसमें नहीं होता है, इसमें जनक थोड़ा सा भिन्नता पाए जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि इनमें देख सकते हैं कि इनमें बडिंग के माध्यम से, फिजन के माध्यम से इनमें संपूर्ण शरीर का होता है, जबकि इसमें सिर्फ जनक जो इकाई होता है वो होता है गेमेट होता है। ठीक है, ये अकशेरुकी ये जो नॉन कॉर्डेटा वाले जीव होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जबकि ये पूरे जंतुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं निषेचन। ठीक है, तो निषेचन जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, तो यूजुअली इसमें निषेचन में क्या होता है कि जब लैंगिक जनन जब स्टार्ट होता है, नर और मादा जो होते हैं, ठीक है, नर जो मेल प्लस फीमेल, ठीक है, जो मेल और जो फीमेल होते हैं एक्चुअली इसे ही कहा जाता है गेमेट्स। ठीक है, गेमेट्स कहते हैं, तो यही सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, जब मिलते हैं तो इसे ही कहा जाता है निषेचन। ठीक है, मतलब मेल गेमेट्स और जो फीमेल गेमेट्स जो होता है जिसे स्पर्म, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये है मेल गेमेट्स, एक्चुअली यहाँ पर कुछ मिस्टेक है डायग्राम में। ठीक है, तो ये होता है स्पर्म वाला। ठीक है, ये ठीक है, और ये जो होता है अंडा, इस दोनों को ही कहा जाता है गेमेट्स कहा जाता है। जब दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो कैसे मिलेगा, यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये स्पर्म का और ये एग होता है, ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो मिलते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, ये है ना, ये यहाँ पे मिला ना, यहाँ पे देखिए ये जा रहा है ये। ठीक है, तो दोनों आपस में जब मिले तो यहाँ पे फर्टिलाइज होता है, इसी क्रिया को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये समसूत्री विभाजन हो जाता है, और समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन होने के बाद ये एक होता है वो दो बन जाता है, फिर ये माइटोसिस समसूत्री विभाजन, फिर बाद में वो एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो लैंगिक जो प्रजनन जो होता है, ठीक है, कि जो लैंगिक प्रजनन जो होता है उनमें 30 प्रकार से क्रिया होती है ना, तो देख सकते हैं नर जनक राणु का नर पैदा किया जाता है, आरएडी हमने यहाँ पर देखे इसको। ठीक है,
और अंडाणु अंडा मादा युग्म फलक जनक द्वारा पैदा किया जाता है, जो राणु की तुलना में बड़ी होती है और ये बहुत बड़ी मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है ना। तो सुराणु अंडाणु या अंडे में प्रवेश करता है और मिलकर एक नई कोशिका बनाता है जिसे हम निषेचन कहते हैं। ऑलरेडी हमने देख लिया है ना किस तरह से होता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ठीक है कि ये एक स्पर्म हो, ठीक है, ये सुराणु वाला हिस्सा होता है, ठीक है, और ये है अंडाणु, ये ओवम है और ये स्पर्म है, ठीक है। जब दोनों यहाँ पे मिल गए, ये देख लीजिए यहाँ पर ये वाले हिस्सा में देख सकते हैं मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या कर लेता है वो न्यूक्लियस में चला जाता है, ठीक है, और इसी को ही बोला जाता है फिर जायगोट बोलते हैं, ठीक है। जायगोट का मतलब होता है युग्मनज कहते हैं, युग्मनज मतलब दो युग्मकों का मिलना, मिलने की जो प्रक्रिया होती है ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ना। तो इसी को यहाँ के यहाँ पे जब फ्यूज हो जाता है तो उसको युग्मनज कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फिर यहाँ पर देख लेते हैं कि निषेचन के जो प्रकार, ठीक है, क्या देखते हैं निषेचन के प्रकार, ठीक है। तो निषेचन के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है आंतरिक इंटरनल, और सेकंड जो होता है वो होता है बाह्य, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं आंतरिक निषेचन, ठीक है। तो आंतरिक जो निषेचन होता है, चलिए इसमें क्या होता है कि जब नर का जो शुक्राणु होता है वो मादा के अंडाणु को मादा शरीर के भीतर पहुंच कर निषेचित करता है तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, ठीक है, क्लियर बात, ठीक है। क्या बोला कि ये जो स्पर्म होता है, ठीक है, ये होता है अंडाणु, ये कहाँ पे करेगा इसको, मादा शरीर के अंदर में, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है आंतरिक निषेचन कहते हैं, और ये बहुत सारे जीवों में पाए जाते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया, ठीक है, कुत्ता हो गया, मनुष्य कुत्ता और जो पशु वगैरह जो अदर और पशु होते हैं उनमें इसी प्रकार की क्रिया पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद होता है बाहरी निषेचन, ठीक है। तो बाहरी जो निषेचन जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है, ठीक है, एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें क्या होता है, मेल के जो स्पर्म होता है, ठीक है, मादा के अंडाणु जो ओवम है, ठीक है, वो शरीर के बाहर निषेचित करता है। कहाँ पे ये दोनों कहाँ पे निषेचित होगा, शरीर के बाहर, शरीर के बाहर निषेचित होता है। जैसे कि आप जानते हैं जो जैसे कि मेंढक होते हैं, मेंढक पानी में रहते हैं, ठीक है, तो ये मेंढक और ये एक मेंढक, ठीक है, जब दोनों आपस में यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पे मिल गए तो ये बाद में क्या करता है, इसको ये पानी में छोड़ देता है, पानी में छोड़ देता है। तो जब छोड़ देते हैं तो इसके शरीर से ये बाहर बाहर जाके वो क्या करते हैं, स्पर्म कर इसको फर्टिलाइज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है बाह्य निषेचन। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मानव जनन तंत्र, ठीक है।
तो मानव जनन तंत्र जो होता है, ठीक है, हम जानते हैं कि मनुष्यों में जो लैंगिक प्रजनन के लिए एक विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं, ठीक है, और प्रजनन में भाग लेने वाले जो अंग होते हैं, ठीक है, प्रजनन में जो भाग लेने वाले जो अंग होते हैं उसे प्रजनन अंग कहा जाता है, ठीक है, और एक ही जीव के जो सभी प्रजनन अंगों को, जितने भी प्रजनन अंग होते हैं उसको एक साथ कहा जाता है, प्रजनन तंत्र कहा जाता है, ठीक है, जितने भी अंग होते हैं मिलते हैं, मतलब सभी अंगों को एक साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है, और मनुष्य स्तनी वर्ग का सबसे अधिक विकसित और प्रमुख जंतु है, जिसमें एक सामान्य स्तनी के सामान्य प्रजनन होते हैं, और इसकी दोनों जनन कोशिकाएं जो होती है वो अलग अलग जीवों में बनती है, और उन जीवों को जानते हैं आप क्या बोलते हैं, जो नर जो होते हैं, ठीक है, जो मेल गैमेट्स जो होते हैं, है ना, उसको स्पर्म कहते हैं, जानते हैं आप, ठीक है, और जो फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उसको कहा जाता है ओवम, ठीक है, और ये दोनों नर या पुरुष, है ना, सॉरी, जो मेल या जो फीमेल्स होते हैं उनमें ये अलग अलग बनते हैं, है ना, और ऐसे जीवों को जिनमें नर और मादा जो गैमेट्स होते हैं वो अलग अलग शरीरों में बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक लिंगाश्रयी बोलते हैं, मतलब जो हम मनुष्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, ये याद रखना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये पूछ सकता है ये, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो मनुष्य में पुरुष हो गए, मेल या फीमेल्स के जो जनन अंग होते हैं, शरीर और जो लक्षणों में बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं, और इनमें पूर्णता परिपक्व होने के बाद ही क्या होते हैं, ये जनन में भाग लेते हैं, ठीक है, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो गैमेट्स जो होते हैं इनका फॉर्मेशन इक्वली हो किसके माध्यम से होते हैं, ये आपको पूरा मालूम होना चाहिए, ठीक है, तो इक्वली यहाँ पर जो जनन गोनेट्स, आपको मालूम होगा कि ये जो गोनेट्स जो होते हैं, ठीक है, आपको बताया गया था जब हम हार्मोन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना, तो ये जीवों का सबसे प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, है ना, और ये कब होता है मालूम है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, जब अर्धसूत्री विभाजन होते हैं तब अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है, और ये युग्मक होता है स्पर्म और ओवम, ठीक है, तो जैसे कि हम ये स्पर्म होता है ये कहाँ पे होते हैं मालूम है आपको, ये होता है टेस्टिस पे होता है, ठीक है, टेस्टिस पे होता है, और ये जो होता है, एक मिनट ना, ठीक है, ये जो स्पर्म होता है ये टेस्टिस पे होता है, और ये जो ओवम जो होता है ये ओवरी पे होता है, ठीक है, तो अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस आर्ट के लिए ह्यूमन का, तो अब सीधा हम शुरुआत करते हैं सीधा हम कि जो मेल जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होते हैं वहां से हम सीधा शुरू कर लेते हैं, ठीक है, और शुरू करने से पहले एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, जैसे कहा जाता है पॉवर्टी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोले तो इसको
यौवन आरंभ मतलब एक युवावस्था जहाँ से युवा स्टार्ट होता है ना। तो हम जानते हैं कि जन्म के पश्चात शारीरिक वृद्धि, चलो इसमें स्किप कर रहा हूँ ठीक है, क्योंकि मैं इसको लास्ट में क्लियर करूंगा इसको ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है मैं आपके लिए इसको लास्ट में लिख रहा हूँ ठीक है, छोड़ रहा हूँ इसको, मैं लास्ट में स्किप करूंगा इसको अभी लास्ट में ना ठीक है। फिर तो हम सीधा चलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ठीक है। तो मेल जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होते हैं जानते हैं कि जो मेल जो फीमेल जो होते हैं मनुष्य में जो नर जनन तंत्र होते हैं वो कई अंगों का बना होता है, और यहाँ पर गैमेट्स के निर्माण के साथ साथ कुछ बहुत सारे सेक्स हार्मोन्स का भी स्त्राव होते हैं ठीक है। तो नर तंत्र का जो वह अंग जो स्पर्म का निर्माण करते हैं ठीक है, नर जनन तंत्र का वह अंग जो स्पर्म का जो निर्माण करते हैं ठीक है, वो होता है वृषण ठीक है, जिसे टेस्टिस बोलते हैं ठीक है। तो यह नर जनन तंत्र का मुख्य भाग होता है और इसलिए इसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहा जाता है ठीक है। वृषण जो होता है इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, और इसके वृद्धि और विकास कार्य को जो कंट्रोल करने का जो काम करते हैं वो जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि में एक हार्मोन पाया जाता है जिसे गोनाइडो ट्रॉफिन हार्मोन कहा जाता है ठीक है। क्या बोलते हैं, गोनाइडो ट्रॉफिन जो हार्मोन होते हैं उससे द्वारा ये कंट्रोल किया जाता है। तो नर जनन तंत्र के जितने भी शेष अंग जो श्रावणों को फॉर्मेशन नहीं करते हैं और न ही हार्मोन से श्रावण करते हैं लेकिन प्रजनन की में मुख्य भूमिका निभाते हैं, तो इन अंगों को सहायक अंग कहा जाता है ठीक है। तो एक जो नर जनन तंत्र होते हैं उनमें कई अंग होते हैं ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में ठीक है। तो नर जनन तंत्र में जो होता है ठीक है कि उसमें एक जोड़ी विलक्षण पाया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें विलक्षण होता है, वृषण कोष हो गया ठीक है। इसमें शुक्रवाहिका पाए जाते हैं, सेकंड पॉइंट ठीक है। इसमें शुक्राशय होते हैं, तीसरा पॉइंट, तीसरा ठीक है। चौथा जो होते हैं इसमें मूत्र मार्ग होते हैं ठीक है, और इसमें प्रोस्टेट ग्रंथि होते हैं ठीक है, और ये होता है मेन जो होता है वो होता है फीसन, ये वाला पार्ट ठीक है। तो ये नर जनन तंत्र है मेन ठीक है। तो जैसे कि बात करें इस वृषण की बात करें ठीक है, ये जो वृषण है ये आप लोग डायग्राम देख लेना, क्योंकि एग्जाम में ये हर साल लगभग एग्जाम में आता है, अभी कुछ 1-2 साल से नहीं आ रहा है लेकिन पिछले साल पहले उससे पहले बहुत पाए गए मतलब आता था यहाँ से क्वेश्चन ठीक है। तो हम देखते हैं वृषण के बारे में, थोड़ा सा ज्यादा नहीं देखेंगे, बस थोड़ा थोड़ा की पॉइंट्स देखेंगे बस ठीक है। तो जो वृषण जो होता है टेस्टिस ठीक है, तो वृषण होता है ये जो मेल जो होते हैं उनमें एक जोड़ी पाया जाता है ये ठीक है, जोड़ी वन पेयर पाया जाता है, और ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये ठीक है, ये बताया हूँ मैंने। और ये एक थैली में होता है ठीक है, थैली टाइप का होता है, बाहर लटकते रहता है, तो इसको कहा जाता है वृषण कोष कहते हैं ठीक है। क्या बोलते हैं, वृषण कोष कहा जाता है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं स्क्रोटल सैक ठीक है। इसका जो मेन कार्य जो होता है ठीक है, इसका जो मेन कार्य जो होता है ठीक है,
वो होता है सुनाड़ू का उत्पादन करना। ठीक है, क्या कहते हैं, सुराणु का ये उत्पादन करता है और ये शरीर के लिए तापमान से कम, बहुत ही कम आवश्यकता होती है। यही कारण है कि जो टेस्टिस होता है वो शरीर से बाहर थैली में स्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, वृषण के द्वारा ही यहाँ पे स्पर्म का निर्माण होते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पे ये सब जो पहला काम हुआ सुराणु का उत्पादन, और सेकंड जो काम होता है वो होता है हार्मोन। ठीक है, तो ये जो हार्मोन के रूप में आपको मालूम है एंड्रोजन, एंड्रोजन जो हार्मोन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होते हैं उनका उत्पादन करने का काम करता है ये जो टेस्टिस होता है वो। ठीक है, सेकंड है अधिवृषण, ठीक है, तो अधि जो वृषण होता है इपिडिडाइमिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, इपिडिडाइमिस। ठीक है, तो जो इपिडी जो डाइमिस होता है एक्चुअली ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, देखिए ये वाला जो हिस्सा रहता है ना, तो शुक्र जो वाहिका जो होते हैं ये वाला शुक्र वाहिका के मध्य में, ठीक है, ये वाले जो मध्य और ये जो वृषण इनके और इनके जो मध्य में ये वाला जो पार्ट होते हैं, ठीक है, इसी को ही कहा जाता है एपिडाइमिस कहा जाता है। ठीक है, एपिडिडाइमिस कहा जाता है। और ये जो होते हैं एक्चुअली इसका जो मेन जो फंक्शन है, ठीक है, इसका मेन फंक्शन देखा जाए कार्य, ठीक है, तो इसका जो मेन कार्य जो होता है वो होता है शुक्राणुओं को मैच्योर करने के काम करता है, परिपक्व बोलते हैं उसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। ठीक है, तो शुक्राणुओं को क्या करते हैं, मैच्योरिटी प्रदान करता है वो। ठीक है, मैच्योरिटी प्रदान करने के काम करते हैं। ठीक है, बस, और साथ में उनको स्टोरेज करने का काम करता है, बस इतना याद रखना, स्टोरेज और मैच्योरिटी करने का काम करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरा, तो तीसरा में यहाँ पर जो होता है वो होता है वास डिफरेंस कहा जाता है, वास डिफरेंस। ठीक है, इसको इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है शुक्र वाहिका। तो शुक्र जो वाहिका होते हैं ये आप डायग्राम दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो शुक्र जो वाहिका होते हैं ये एक लंबी सी पेशी नलिका होते हैं जो अधिवृषण जो होते हैं उसको क्या करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं, ये वाला जो पार्ट होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यही होता है वास डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, और ये जो सेमिनल जो वेसिकल्स को ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और जोड़ने का काम करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ से, ये वाले जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक जोड़ने में काम करता है। ठीक है, और साथ में मूत्र नलिका वाले जो होते हैं वहां से अटैचमेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका जो मेन देखा जाए, ठीक है, इसका मेन फंक्शन देखा जाए तो आपको मालूम पहले ही बताया कि जो स्पर्म जो होता है वो कहाँ पे मैच्योरिटी प्रदान करते हैं, इसमें एपिडिडाइमिस में मैच्योरिटी होते हैं, तो वहां से जो स्पर्म होते हैं, ठीक है, उसको ये जो वास डिफरेंस है इसको कहाँ लाने का काम करते हैं, यूरेथ्रा के पास। ठीक है, कहाँ पे लाने का, यूरेथ्रा लाने का मेन काम करता है, बस इतना याद रखना। ठीक है,
इसका मेन है चौथा नंबर में देखा जाए तो वो होता है शुक्राशय, ठीक है। और शुक्राशय जिसे सेमिनल वेसाइकल कहते हैं, इसको सेमिनल वेसाइकल, ठीक है। तो शुक्राशय जो होता है ये डायग्राम, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये वाला शुक्राशय जो है आप देख सकते हैं कि जो शुक्राशय जो होता है, ये डायग्राम देखिए आप कि शुक्राशय एक थैली नुमा संरचना होते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये थैली नुमा संरचना होता है जो मूत्राशय, देखिए ये है मूत्राशय, ये दिख रहा है, ठीक है। तो शुक्राशय एक थैली नुमा संरचना है जो मूत्राशय यूरिनरी ब्लेडर के नीचे तथा शुक्र वाहिका के किनारे स्थित होता है, ठीक है। और इसमें एक क्षारीय द्रव होता है, बेस मटेरियल्स पाए जाते हैं, ठीक है, स्त्राव करते हैं, ठीक है। और ये अधिकांश उसका फ्रुक्टोज वाले पार्ट, फ्रुक्टोज होते हैं एक्चुअली उसका, और साथ में वो क्या करते हैं, यूरिया का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, इस शुक्राशय से, ठीक है। और यहाँ पर जो उसका लिक्विड होता है वो फ्रुक्टोज के रूप में वो वहां पर स्त्रावित होते हैं, वहां पर उपस्थित होता है बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में प्रोस्टेट, ठीक है। तो प्रोस्टेट जो होता है ये या जो ग्रंथि है ये, ठीक है, ये क्या है, ये ग्रंथि है, ठीक है। प्रोस्टेट क्या है, एक ग्रंथि है, और यह जो ग्रंथि होता है मूत्राशय एवं ये आप डायग्राम यहाँ पे देखिए, ठीक है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि ये वाला जो पार्ट है, प्रोस्टेट जो ग्रंथि जो होता है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय और मूत्राशय यूरिन ब्लेडर और जो पेनिस के मध्य में होता है, ठीक है। ये मूत्राशय ये वाला है और ये होता है पेनिस, ठीक है। इस दोनों के मध्य में ये स्थित होता है और ठीक है, मध्य में स्थित होता है और ये एक लिक्विड पदार्थ स्रावित करते हैं जो एसिडिक होते हैं वो, ठीक है, क्या होते हैं, एसिडिक होता है और जो वीर्य का फॉर्मेशन करता है, उस वीर्य के बोल सकते हैं कि 15 से 25% जो हिस्सा होते हैं वो इसी का होता है, ठीक है। और इसका जो मेन काम जो होते हैं, कार्य देखा जाए, ठीक है, तो इसका जो मेन कार्य होते हैं वो होता है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का, ठीक है, शुक्राणुओं को पोषण ठीक है, और साथ में इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, वो नेक्स्ट होता है मूत्र मार्ग, ठीक है, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। तो यूरेथ्रा जो होता है एक्चुअली इसकी जो लंबाई होते हैं वो लगभग 20 सेंटीमीटर होता है मूत्र मार्ग, ठीक है, ये अब डायग्राम में डिनोट्स है यहाँ पे, ठीक है, ये मूत्र मार्ग, ठीक है, ये वाला जो नली जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला जो नली, इसको दूसरे कलर में करते हैं, ठीक है, ये पतली सी जो नली दिखाई दे रही, पतली सी जो नली दिखाई दे रही है, ये पतली सी नली यहाँ से, ठीक है। तो ये जो होती है वो 20 सेंटीमीटर लंबी सी नली होते हैं, ठीक है, ठीक
तो ये 20 सेंटीमीटर बहुत लंबी सी नली होते हैं, और इसका जो क्या करते हैं, जो मूत्राशय से जो पेनिस के जो शीर्ष तक इसको फैलाने का काम करता है, ठीक है। और इसका जो मेन काम जो होता है वो दो कार्य जो होता है, इसका कार्य देखा जाए तो इसका दो कार्य होते हैं, ठीक है। एक जो होता है जो मूत्र को बाहर निकालने के काम करते हैं, मूत्र उत्सर्जन, ठीक है। और सेकंड जो कार्य होता है वो होता है वीर्य को स्खलन करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हुआ इसका दो दो कार्य ही होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो होता है सीसन कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको पेनिस बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये बोल सकते हैं ये कि ये जो मेल का मेन मेल का जो एक्सटेंड होता है, ये शरीर के सबसे बाहरी मुख्य जनन अंग होते हैं, और ये स्पॉन्जी जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, एक स्पॉन्जी जो टिश्यू होते हैं उससे ये बना हुआ होता है, ठीक है। और प्रजनन की प्रक्रिया में यही अंग होता है जो एक्साइटमेंट होता है, और एक्साइटमेंट होने के बाद जो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे इंटर करता है, ठीक है। और वहाँ पे मैथुन क्रिया के संपन्न होने के बाद जो स्पर्म होते हैं वो वहाँ पे एजुकेशन हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। ठीक है। तो ये मेल वाला जो पार्ट हुआ है ये लगभग पूरा हो गया, ठीक है। एक चीज और है जो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, शायद वो पूरा टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में नहीं हो पा पाएगा, तो मैं दूसरा लेक्चर और बनाऊंगा, ठीक है। तो एक देख लेते हैं स्पर्म, जिसे सीमन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं एक ऑर्गेनिक फ्लूड होते हैं, याद रखना ये क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिक फ्लूड होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक फ्लूड होता है, और जो नर जो मेल के जो जनन अंग होते हैं वहाँ पे वो निर्मित निर्मित किया जाता है, और इस जो एरिया जो होता है सीमन जो होता है उनमें शुक्राणु के साथ साथ अन्य और भी मटेरियल्स पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस स्पर्म में जो सीमन में जो होते हैं वो यहाँ पर स्पर्म सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वाला जो है वो आपको नेक्स्ट, ये यहाँ पर मैं सोच रहा था कि इसी में हो जाएगा, नहीं हो पाया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।